फैमिली को अपने बेहद करीब रखना चाहती है माधुरी दीक्षित, और यही वजह है कि वह अपने बच्चों को, खास तौर पर अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड श्रीराम माधव नेने को अपने पास रखने के लिए गुजारिश करती है। बार बार उन्होंने ये बात कही है कि वो अपने बच्चों को मिस करती हैं जब वो उनसे दूर होते हैं, और ये राज फिर से खुल गया ये राज भी कि अपने बच्चों को दूर देखने पर बर्दाश्त नहीं कर पाती माधुरी वो दूरियां, और खुला ये राज कि माधुरी के पिता के जैसे हैं माधुरी के हस्बैंड, जो कि माधुरी ने खुद ही खोला। आइए जानते हैं कैसा है व्यवहार माधुरी के बच्चों का, माधुरी के पति का एक दूसरे के साथ। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में हम माधुरी की, माधुरी दीक्षित की, जिन्होंने अपने अंदाज से हमेशा लोगों का दिल धड़काया है। माधुरी जब अपने बच्चों के साथ अपने पति को देख खूब परेशान हो गई थी, तब उन्होंने कह दी थी ऐसी बात जिससे लगा मालूम कि सच में माधुरी ने लगाया है रोक अपने बच्चों पर, अपने पति पर। ऑर्डर फरमाती या यूं कह लीजिए कि हुक्म जताती नजर आई माधुरी दीक्षित। दरअसल जो ट्रैवल तस्वीरें माधुरी दीक्षित की सामने आई थी उसी की हम बात कर रहे हैं। माधुरी दीक्षित अपने हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर उन तस्वीरों को शेयर करते हुए ये बताती नजर आई कि उन्होंने जो तस्वीरें देखी अपने बच्चों की, हस्बैंड की ट्रैवलिंग की, उसे देखकर उनके मन में यही ख्याल आया कि काश माधुरी दीक्षित भी वहाँ होती, यानी कि वो खुद को भी वहाँ पर याद कर रही थी। उन्होंने लिखा, लुकिंग एट योर ट्रैवल पिक्चर्स मेक मी मिस यू गाइज इवन मोर, प्लीज डोंट हैव टू मच फन विदाउट, यानी कि मेरे बिना इतना फन भी मत करो, काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है तुम लोगों की तुम जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, मतलब रोक लगाए उन्होंने उनकी मस्ती पर। ऐसा ही है रिश्ता उनका अपने बच्चों और पति के साथ, अब तो आप भी जान ही गए होंगे। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित बॉलीवुड टाउन की कैसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हमेशा से अपने अंदाज को शानदार बनाया है, और वो हमेशा से अपने फैमिली लाइफ को मेंटेन करती आई हैं बॉलीवुड लाइफ के साथ। लेकिन इसके अलावा आपको ये बात शायद ही मालूम हो कि अपने पिता की बेहद करीब रहने वाली माधुरी आज भी अपने पिता को याद करती हैं। फादर्स डे के मौके पर माधुरी ने इस पर से पर्दा उठाया कि उनके बच्चों के साथ कैसा है बर्ताव उनके पति श्रीराम नेने का। जी हाँ, खुला ये राज कि उनके बच्चों के साथ श्रीराम नेने बिल्कुल माधुरी के पिता जैसा व्यवहार करते हैं। माधुरी ने अपने पिता को इसके बाद पिता को लेकर दर्द भरा राज लिखा। उन्होंने लिखा, Thank you for being there at every step of my life, Dad. You have always been my inspiration and a pillar of strength. You truly are the best. I miss you. I'm so grateful that my boys have an amazing father just like you. I wish you a very happy Father's Day to all super dads out there. जी हाँ, देख सकते हैं आप ये तस्वीर माधुरी के पिता की है जो उनके साथ काफी खुश नजर आई हैं। Well, ये था माधुरी दीक्षित और उनकी फैमिली से जुड़ा हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट, जिसमें हमने आपको दी अपडेटेड खबरें। माधुरी ने अपने बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेकर जो इन्फॉर्मेशन दी और जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने फीलिंग्स को शेयर किया, उससे हमने आपको रूबरू कराया। लौटेंगे जल्द से जल्द ऐसे ही बॉलीवुड टाउन की फैमिली लाइफस्टाइल को लेकर। तो देखते रहे तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज। बाय बाय एंड टेक केयर।